Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to second lecture of conversion. Second year, third. मैं क्योंकि दरमियान में maybe मज़ेदार वीडियोस करूँ सब जो रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ. So कर अब हमने अपने last lecture में conversion from decimal to binary, octal and hexadecimal की. Clear? Now in this lecture हम अपनी second हमने total चार conversions के बड़े-बड़े process करने हैं. No, second conversion करें, that is the conversion from binary to decimal, octal and hexadecimal. So आज की क्लास में हम conversion करेंगे from binary to सबसे पहले decimal. याद रखें, whenever we are going to convert any number, that is binary, octal or hexadecimal into decimal, we have only one method and that method is this method, जिसमें हम first we convert the number into exponential form. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करने के लिए अगर हमारे पास बाइनरी है तो हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. ऑक्टल हुआ तो 8 होगा, हेक्साडेसिमल हुआ तो 16 होगा. और देन ऑर्डिनरी ऑपरेशन मैथमेटिक्स के ऑपरेशन करके हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास हो आएगा. क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. हमारे पास एक नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास ये. इस क्वेश्चन में कहते हैं इसको कन्वर्ट करें इनटू डेसिमल. डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमने इसको एक्सप्रेस किया इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारे पास देखिए टोटल इसमें कितनी वैल्यू है. पॉइंट से पहले बनी 3 वैल्यू है तो आपके पास n की पावर हो गई 3. तो ये फार्मूला यूं होता है एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 2 पावर n माइनस 1. तो हमारे पास इसके अंदर क्या हो गया तो n की पावर 3 है. ये जो है फ्रैक्शनल वैल्यू है तो ये 5 वैल्यूज नहीं खिलाएगी. आगे नंबर में ये 5 है टोटल वैल्यू लेकिन इधर जो फ्रैक्शन के पॉइंट है 3 वैल्यूज हैं तो n की पावर इससे 3 है. तो फार्मूले में लग गया 3 माइनस 1 लगा बिकॉज 3 की ये पहली वैल्यू है. उसके बाद 3 की ये दूसरी वैल्यू, 3 की ये तीसरी वैल्यू, 3 की ये फोर्थ वैल्यू, तो ये माइनस और 3 की ये 5 वैल्यू. टोटल वैल्यू 3 है और टोटल जो डिजिट है वो 5 है हमारे पास. इसी तरीके से ये हुआ तो हमारे पास 2 1 0. अब तक आप लोग लिखते हुए आए हैं जब कभी भी होते हैं आप दरमियान से शुरू कर देते हैं 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2. वो भी एक तरीका है लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझाना है कि आप कॉन्सेप्ट सीखे. तो ये पूरा एक फार्मूला था जो आपके पास यहाँ तक आ गया. क्लियर? क्लियर है? कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे डायरेक्टली पूछा करें. क्लियर है? इसके साथ साथ अपनी नोटबुक्स बनाएं, रजिस्टर्स बनाएं, उसमें आपने ये सब नोट करने हैं. मैं आपका ये चेक करूंगा कापियां इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी शुरू होती है तो ये आप जब तक लिखेंगे नहीं तो आपको समझ नहीं आएगी. क्लियर? उसके बाद आपने ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स अप्लाई की 2 इसके साथ किया 2 पावर 4 एनीथिंग मल्टीप्लाई विद 0 इज इक्वल टू 0. इसी तरीके से 2 पावर 0 से 1 आता है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1. 2 माइनस 1 एंड एनीथिंग मल्टीप्लाई विद 0 इज इक्वल टू 0. ये आपको क्लियर है? थोड़े बहुत मैथमेटिक्स के कांसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए. 2 टू द 4 प्लस 1 प्लस माइनस को हटाना था तो हमने इस माइनस को हटाने के लिए 1 बाय 2 कर लिया. 1 बाय 2 से आपके पास 0.5 आ गया प्लस किया 5.5. सो दिस बाइनरी नंबर इज इक्वल टू 5.5. आप देख सकते हैं 101.10 base 2 is equal to 5.5 decimal number. So, कोई भी decimal number हो, उसको जब आप convert कर रहे होगे into the binary, so उसके लिए आपके पास, कोई भी number हो, जब उसको आप decimal में convert कर रहे होगे, तो ये आपके पास यही तरीका होगा, just ये multiply change हो जाएगा. अभी हमने binary to डेसिमल कन्वर्जन की तो उसके लिए हमारे पास ये मेथड था. उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा. कोई इशू, कोई मसला हो आपको मुझसे पूछ सकते हैं. ये फ्रैक्शनल और इंटीजर दोनों वैल्यूज के लिए हमने किया है. आपके पास सिंपल वैल्यू आ गई तो फिर ये फ्रैक्शनल वैल्यू को करने की जरूरत नहीं है. क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास आ गया है यहाँ से सिंपल सा जो आज आपकी को मैंने सिखाया. इसके बाद हम लोग चलते हैं अपनी कन्वर्जन की तरफ और वो कन्वर्जन हम लोग करते हैं फ्रॉम बाइनरी टू ऑक्टल. बाइनरी टू ऑक्टल करने के लिए आपके पास बाइनरी टू ऑक्टल या हेक्साडेसिमल, ठीक है, इसकी कन्वर्जन करने के लिए हमारे पास जो है दो मेथड्स हैं. टू मेथड्स मैंने नोट्स में लिखे होंगे, इधर जस्ट जल्दी से एक ओवरव्यू दे रहा हूं. एक मेथड कहलाएगा आपके पास इनडायरेक्ट मेथड.
और दूसरा मेथड आपके पास कराएगा डायरेक्ट मेथड, क्लियर। इनडायरेक्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड के अंदर फर्क है। सो हम पहले इनडायरेक्ट करते हैं, विकास अभी हमने एक कन्वर्जन की है तो वो अभी हम करें, फिर डायरेक्ट भी हम करेंगे। अभी हम इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, हम किसी भी बाइनरी नंबर को सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं इनटू, पहले स्टेप में कन्वर्ट करते हैं, ये बातें लिखी होगी इससे मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, इनटू डेसिमल, एंड देन सेकंड स्टेप में डेसिमल को कन्वर्ट कर लेते हैं ऑक्टल में या हेक्सा में या कलर्स के, ठीक है, इसके अंदर हम यू कर लेते हैं। डायरेक्ट मेथड में हम बाइनरी नंबर को कन्वर्ट कर लेते हैं डायरेक्टली ऑक्टल में बाय मेकिंग पेयर्स ऑफ 3 bits, बाय मेकिंग पेयर ऑफ 3 bits। याद हो लेक्चर नंबर 3 के अंदर मैंने कहा था कि बाइनरी नंबर को आसान करने के लिए हम पेयर बनाते थे, और फिर तो पेयर ऑफ 3 bits जो याद था वो ये हम करेंगे यहाँ पर। इसी तरह किसी भी बाइनरी को हेक्सा में कन्वर्ट करने के लिए आप बनाते हैं पेयर ऑफ 4 bits डायरेक्ट मेथड के अंदर। ये मेथड हम 1-1 करेंगे, ठीक है। तो ये जो दो अलग बातें हैं, ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए पेयर ऑफ 3 bits, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए पेयर ऑफ 4 bits हम बनाएंगे। तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, व्हेनेवर वी आर गोइंग टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर इनटू ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, वी हैव 2 methods। वन इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मेथड, इन विच वी फर्स्ट कन्वर्ट बाइनरी नंबर इनटू decimal, and then this decimal number is converted into octal, and same in the case of hexadecimal, after converted into decimal we convert the number into hexadecimal number. In direct method we convert the binary number into octal directly by making the pair of 3 bits, and hexadecimal number conversion, when we convert binary into hexadecimal number we make the pair of 4 bits. तो ये आज हम लोगों के पास लेक्चर में था। इंशाल्लाह आगे जो हम कन्वर्जन करेंगे बाइनरी टू ऑक्टल के अंदर, तो उसके लिए फिर हम लोग सबसे पहले इनडायरेक्ट मेथड को यूज करेंगे। आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको समझ आया होगा, नहीं आया तो मुझसे पूछें, काइंडली इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करें ताकि आप लोगों को कोई इशू कोई मसला ना हो। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।